हम सब जानते हैं कि आज का यह शुभ अवसर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा और प्रेरणा का संचार करता है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में NCERT और Amazon के सहयोग साझेदारी समारोह के लिए आज हम सभी इस सभागार में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह समारोह NCERT और Amazon के सहयोग की एक ऐसी भावी पहल का उदाहरण है जो शिक्षा को न केवल जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती है बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे समाज की नींव है और हमारे सपनों को उड़ान देने का सबसे प्रबल और प्रमुख माध्यम। Amazon के साथ यह साझेदारी NCERT की पाठ्यपुस्तकों के वितरण को सुव्यवस्थित करेगी जिससे देश भर में सही और असली पाठ्यपुस्तकें आसानी से लोगों तक, बच्चों तक, जन जन तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। Amazon के विस्तृत डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से छात्र और स्कूल, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो लोग रहते हैं, बिना किसी अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क के निर्धारित मूल्य पर पाठ्यपुस्तकें वे खरीद सकेंगे। यह आपूर्ति की कमी, किताबों की देर से उपलब्धता और क्षेत्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों की कमी जैसी समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर करेगा और सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगा। हमारे बीच आगमन हो रहा है माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। Amazon से आए विशिष्ट अतिथि भी हमारे साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे गणमान्य अतिथिगण का। मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सचिव महोदय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से श्री संजय कुमार जी, आदरणीय निदेशक महोदय NCERT प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर, आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से श्रीमती प्राची पांडे जी, आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट Amazon श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय डायरेक्टर महोदय पब्लिक पॉलिसी Amazon श्री अमन जैन जी, आदरणीय सचिव महोदय NCERT श्री अमन शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के समारोह में। अतिथि देवो भवा, अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय निदेशक महोदय NCERT प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अंगवस्त्रम एवं पौधा भेंट कर ससम्मान उनका स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि यहाँ पर एक महती भूमिका अदा करती हैं। माननीय मंत्री जी, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय पब्लिकेशंस डिवीजन NCERT से प्रोफेसर अनूप कुमार राजपूत जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और आदरणीय सचिव महोदय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से श्री संजय कुमार जी को अंगवस्त्रम एवं पौधा भेंट कर ससम्मान उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय सचिव महोदय का। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। अब मैं आदरणीय मुख्य व्यापार प्रबंधक महोदय पब्लिकेशंस डिवीजन NCERT श्री अमिताभ जी से निवेदन करती हूँ कि वे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट महोदय Amazon श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को अंगवस्त्रम एवं पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। मैं आदरणीय व्यापार प्रबंधक महोदय पब्लिकेशंस डिवीजन NCERT श्री भूपेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और आदरणीय डायरेक्टर महोदय पब्लिक पॉलिसी Amazon श्री अमन जैन जी को अंगवस्त्रम एवं पौधा भेंट कर ससम्मान उनका अभिनंदन करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस क्षण को गुंजायमान बनाएं। आदरणीय डायरेक्टर महोदय पब्लिक पॉलिसी Amazon, बहुत बहुत आपका स्वागत। हम सभी जानते हैं कि आज हम एक विशेष क्षण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं।
और किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम हमेशा ईश्वर को याद करके करते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। याद करो ध्यान धरो माता सरस्वती, याद करो ध्यान धरो माता सरस्वती, तू ही हमारी गति, तू ही हमारी गति माता सरस्वती, याद करो ध्यान धरो कृपा करो बागेश्वरी, कृपा करो बागेश्वरी सब दरजो ब्रह्म दुलारी, कृपा करो बागेश्वरी सब दरजो ब्रह्म दुलारी, करुणा करो आओ आज गाओ सब जो दी, याद करो ध्यान धरो माता सरस्वती, याद करो ध्यान धरो माता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि दीप की यह ज्योति सदैव हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे। इस गौरवशाली अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत संबोधन हेतु अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ NCERT के निदेशक महोदय आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर को। आइए हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय निदेशक महोदय का। धन्यवाद। नमस्कार। आज एक बड़ा काम हो रहा है और इस काम में हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है हमारे आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद देने आए हैं, शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार जी, अमेजोन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर पॉलिसी श्री अमन जैन जी, श्रीमती प्राची पांडे जी संयुक्त सचिव, श्री अमन शर्मा जी हमारे साथ बहुत बड़े शिक्षाविद यहाँ पे हैं, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी NFT के चेयरपर्सन, हमारी कार्य समिति के सामान्य सदस्य प्रोफेसर नागेश्वर राव जी जो कुलपति रह चुके हैं इग्नू के, प्रोफेसर शशिकला बंजारी जी वाइस चांसलर नीपा, प्रोफेसर अरोड़ा जी जो NCT के चेयरपर्सन हैं, प्रोफेसर श्री श्यामकृष्ण शास्त्री जी पद्मश्री श्यामकृष्ण शास्त्री जी जो भाषा समिति के अध्यक्ष हैं, मंत्रालय से हमारे साथ संयुक्त सचिव श्रीमती अर्चना जी और श्रीमती अमरप्रीत दुग्गल जी और सभी हमारे NCERT के वरिष्ठ लोग, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ज्वाइंट डायरेक्टर, सभी फैकल्टी मेंबर्स और केंद्रीय विद्यालय संगठन की कमिश्नर श्रीमती निधि पांडे जी, यहाँ पर विद्यमान सभी स्कूलों से शिक्षा जगत से सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में विद्यमान हैं, तो मैं आप सबका NCERT परिवार की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कार्यक्रम है हम सब जानते हैं कि पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं और NCERT की पुस्तकों के लिए किस प्रकार से हमेशा शिद्दत से बच्चों को तलाश रहती है और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि NCERT की किताबें समय पर बच्चों को उपलब्ध हों, सही दाम पर मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। NEP आने के बाद NCERT की जो पुस्तकें बन रही हैं वो पुस्तकें अपने आप में NEP की स्पष्ट छवि को परिलक्षित करती हैं, जिसमें कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और समावेशिता, भारतीयता, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का समावेशन, तमाम क्रॉस कटिंग इश्यूज उसमें हैं। ऐसी पुस्तकें हम बना रहे हैं और ऐसी पुस्तकों को बनाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पुस्तकें बन रही हैं मगर हमारे बीच में समस्या ये आती है कि वो पुस्तकें समय पर अच्छे दाम पे बच्चों तक नहीं पहुंचती हैं, इसके लिए बड़ी चुनौतियां रहती हैं। अभी हम पहले 5 करोड़ के लगभग किताबें बनाते थे और वो 5 करोड़ पुस्तकें पूरे देश में
समय समय पर हमारे एक सिस्टम के द्वारा सप्लाई की जाती थी, मगर उसमें बड़ी समस्याएं थी, पायरेटेड बुक्स की बड़ी समस्या थी, जिससे कि बड़ा नुकसान होता था, एनसीईआरटी की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती थी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्षति पहुंचती थी और बच्चों को और पेरेंट्स को खास करके बड़ी परेशानी होती थी और बहुत ऊंची कीमत पर जगह जगह परेशान होकर के उनके पुस्तकों को लेने का काम करते थे और ये शिकायतें आती रहती थी। तो इस बीच अमेजोन के साथ मिलकर के हम एक नया उपक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पत्र जो है हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का लेटर ऑफ इंगेजमेंट जो है साइन कर रहे हैं, उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एमआरपी पे मैक्सिमम जगह उसी मूल्य पे बच्चों के घर तक अमेजोन वो पुस्तकें पहुंचाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो समय पे बच्चों को पुस्तक मिलेगी और जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, स्कूल हैं, उनको अच्छी पुस्तकों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, पायरेटेड बुक्स और अधिक कीमत पर बुक्स नहीं खरीदना पड़ेगा। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये लगातार परामर्श रहा है और मार्गदर्शन रहा है कि अब नई किताबें बन रही हैं, नई शिक्षा नीति हमारी आ रही है, तो क्यों ना हम नए ढंग से ये सब चीज़ें करें ताकि एक उत्साह का वातावरण, उपलब्धता का वातावरण, एक सहजता का वातावरण बने और उस तरह से जो शिक्षा अर्जित होगी तो एक जो हमारा अभी तक का सिस्टम रहा है उस सिस्टम से हम बाहर निकल करके एक नयापन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी एक नई एनर्जी आएगी, नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और इसी की परिकल्पना को लेकर के आज हम यहाँ पे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्य करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम में जब हम जुड़ेंगे तो आप सब लोग इसके साक्षी हैं और किस प्रकार से प्रत्येक स्कूल तक ये मैसेज जाना चाहिए, प्रत्येक परिवार तक ये मैसेज जाना चाहिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए और जाएगा आप लोगों के माध्यम से भी जाएगा कि अब एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत सहजता के साथ वाजिब दाम पर सर्वसुलभ होंगी और इस उपक्रम में ये हमारा प्रयास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत सबका, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। एनसीईआरटी ने सदैव राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी से किया है। इस शैक्षिक यात्रा को और सफल और प्रभावशाली बनाने में आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है। यह न केवल ज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है बल्कि हमारे लिए एक सुनहरे भविष्य का भी निर्माण करती है। इस दिशा में अमेज़न तकनीकी विकास के माध्यम से शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। अब मैं अमेज़न के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट महोदय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को इस शुभ अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी अमेज़न से। Good evening, everyone. I'm honored to be part of this momentous occasion, and I would like to begin by expressing my heartfelt gratitude to Honorable Education Minister Sri Dharmendra Pradhan ji, Sri Sanjay Kumar, Secretary Department of School Education and Literacy, Professor Dinesh Saklani, Director of NCERT, Sri Aman Sharma, Secretary NCERT, and Srimati Prachi Pandey, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy, and all the other esteemed leaders and dignitaries present today. It is truly a privilege to be part of what I believe is a landmark public-private partnership between NCERT and Amazon India. Today's event, in my opinion, holds the potential to redefine how India gets access to quality and authentic education, and how both NCERT and Amazon India will support India's learning journey. For Amazon, this collaboration holds profound significance. The connection between books and Amazon dates back to the very foundation of our company. In 1994, Jeff Bezos founded Amazon, which was back then just an online bookstore in Bellevue near Seattle. From that humble beginning, books has remained at the core of our organization, serving as the cornerstone that has fueled the evolution
and expansion of our business over the years. In India, we embarked on our journey in 2013. And since then, we have proudly established ourselves as the market leader in the books category, a recognition made possible by the unwavering trust of our valued customers. Today, we offer the largest selection of books in the country, with over 2 crore titles sourced from around the world. We take great pride in being the marketplace of choice, offering books in more than 15 vernacular languages and delivering them to every serviceable pin code across India. Our unwavering commitment to connecting readers with knowledge continues to drive us. And today's partnership stands as a testament to that dedication, representing a natural progression in our mission to empower and inspire through literature. While we offer a broad range of academic books, today's partnership with NCERT holds a distinctive significance. The role of NCERT in shaping the educational foundation of our nation cannot be overstated. For India to emerge as a global superpower, it is not enough to simply foster literacy. We must cultivate an educated populace, one that is capable of critical thinking and innovation. This is where NCERT's contribution is invaluable, delivering high quality education at accessible prices and playing a pivotal role in the development of progressive educational policies under the esteemed guidance of the government. Today, we are proud to announce this landmark partnership with NCERT, furthering our support for government's mission to deliver quality education to all. Through this collaboration, Amazon India becomes the one-stop destination for the complete selection of NCERT books, empowering students, parents, and educators to access these resources conveniently from their homes, with fair prices, fast delivery, and the assurance of Amazon's unwavering commitment to customer satisfaction. We are confident this partnership will make a meaningful impact on the accessibility of education across the nation. Today's partnership ensures that all NCERT textbooks, from kindergarten to class 12, along with an extensive range of UPSC preparation material, will be available at MRP, guaranteeing both affordability and transparency across all serviceable pin codes in India. We are also launching a dedicated storefront for NCERT books on Amazon.in, offering a seamless and user-friendly experience for students to easily browse and order the material they need. With features such as shop by class, customers will be able to swiftly locate the appropriate textbooks, making the entire process efficient and convenient. I would like to extend my gratitude to NCERT for revitalizing their supply chain and appointing new e-commerce distributors to ensure timely deliveries across the country. This streamlined distribution network is critical to meeting demand, especially in regions where access to textbooks has historically been limited. In the coming months, we'll also work closely with NCERT to introduce bulk ordering solution for schools and government agencies. This initiative will enable institutions to procure textbooks in large quantities, ensuring that students receive the material they need without delay, and thereby facilitating efficient and scalable procurement across the nation. In conclusion, I would like to once again extend my heartfelt thanks to the Honorable Minister and to our esteemed guests, including the leadership and team at NCERT, for their invaluable partnership in this endeavor. This event marks the beginning of a transformative chapter in enhancing the access to education across India, a mission we are deeply honored to be a part of. Thank you all for joining us today and for your continued support in this journey. Thank you. धन्यवाद महोदय। हम उम्मीद करते हैं
कि एनसीईआरटी और अमेज़न का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संसाधनों के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति में स्कूली शिक्षा वह सशक्त सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को एकजुट रखता है। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदरणीय सचिव श्री संजय कुमार जी का नेतृत्व अत्यंत सराहनीय रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दूरदर्शी परिकल्पना को साकार होते देखना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अब मैं आदरणीय सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से श्री संजय कुमार जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए आदरणीय सचिव महोदय का। धन्यवाद सिमरन जी। भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री एवं हमारे मार्गदर्शक श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, निदेशक एनसीईआरटी डॉक्टर सकलानी, हमारी संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे, श्री सौरभ श्रीवास्तव वाइस प्रेसिडेंट अमेज़न इंडिया, श्री अमन जैन डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी अमेज़न इंडिया, श्री अमन शर्मा सचिव एनसीईआरटी, हॉल में बैठे हुए हमारे शिक्षाविद भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चामू शास्त्री जी, एनसीटीई के चेयरमैन डॉक्टर पंकज, नीपा की वाइस चांसलर श्रीमती शशिकला बंजारी जी, प्रोफेसर नागेश्वर राव इग्नू के एक्स वाइस चांसलर, एनईटीएफ के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, हमारे सभी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के हमारे सभी कोलीग्स, और इस हॉल में हमारे साथ उपस्थित सभी शिक्षकगण, आज मैं समझता हूँ कि यदि ये एक शुरुआत है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। और ये किताबों की जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाए, इसकी जो परिकल्पना की गई थी, मैं समझता हूँ इसका ये पहला ठोस कदम आपके समक्ष रखा जा रहा है। और इसके लिए मैं अपने माननीय मंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके ही प्रेरणा से आज हम इसे मूर्त रूप दे पाने में सफल हो पाए। किताबें जो हैं, पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हम उसको कहते हैं, ये यदि शिक्षा का कोई आत्मा कहा जा सकता है तो वो किताबें ही हैं। और किताबों के माध्यम से हमारे सभी शिक्षकगण हमारे स्कूलों में एक पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग जो है, एक समझ है, वो हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी शुरुआती दौर से ही, उसके निर्माण होने के पश्चात ही वो किताबों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। और एनसीईआरटी की हमेशा कोशिश रही है कि सबसे बेहतरीन किताबें हमारे बच्चों के लिए बनाया जाए और उनको एक पूरी दुनिया से अवगत कराया जा सके। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित होकर के हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हम लोगों ने पहले फाउंडेशनल स्टडीज़ का बनाया 2022 में, और 23 में फिर हम लोगों ने स्कूली शिक्षा के लिए इस पाठ्यक्रम को तैयार किया। इस पाठ्यक्रम से प्रेरित होकर के आज के दिन एनसीईआरटी के द्वारा पूरे देश के बच्चों के लिए उत्कृष्ट किताबों का निर्माण किया जा रहा है। आपने देखा होगा, बालवाटिका के लिए जादवी पिटारा बनाया गया है जो एक टॉय बेस्ड पेडागॉजी पर आधारित है, और वर्ग 1, 2, 3 और 6 की नई पुस्तकाएं बाज़ार में उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस वर्ष 9, 10, 11, 12 को छोड़ करके अगले एकेडमिक ईयर के लिए ये किताबें एनसीईआरटी के लिए ले आई जाएगी। और 9, 10, 11, 12 की जो किताबें हैं वो 26 के एकेडमिक ईयर जो सत्र होगा उसमें तैयार करा करके सभी बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएंगी।
यानी कि 2026 के एकेडमिक सत्र तैयार होते होते ये सारी की सारी जो किताबें हैं बाल वाटिका से लेकर के 12वीं कक्षा तक ये बाज़ार में होंगी। अभी तक हम लोग बड़े हर्षित हैं कि जो किताबें एनसीईआरटी ने बनाई हैं और उसका जो फीडबैक हमारे समक्ष आ रहा है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और अच्छी किताबें आ रही हैं और हर लोगों का फीडबैक है कि अच्छी किताबें बनाई जा रही हैं। लेकिन इस अच्छी किताबों को बच्चों तक पहुंचाने की जो कार्रवाई है वो भी उतनी ही अहम है। हम समग्र शिक्षा के तहत देश के सभी 1 से 5 जो 5वीं प्राथमिक कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको हम सरकारी और सरकारी एडेड स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं उनको हम प्रतिवर्ष 250 रुपये देते हैं और 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए हम 400 रुपये देते हैं ताकि ये जो किताबें हैं वो किसी पर भी किसी प्रकार का कोई वित्तीय बोझ ना हो और उम्दा से उम्दा किताबें उन तक पहुंच पाए। एनसीईआरटी भी इस वर्ष प्रयास कर रहा है कि देश के सभी बच्चों तक अपनी किताबों को ले जाए। तो अभी तक जब वो लगभग 5 करोड़ किताबें छापते थे इस वर्ष वो करीब 15 करोड़ किताबों को छापने जा रहे हैं और ये इसका आधार रहा है CBSE में जो 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। लेकिन ये किताबें निसंदेह इतनी अच्छी हैं कि मुझे लगता है कि देश के अन्य राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा भी इस किताबों को अडॉप्ट किया जाएगा या एट बेस्ट होगा तो कुछ अडेप्ट करके NCERT की किताबें इस्तेमाल की जाएंगी ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो विजन है उसको हर घर तक हम ले जाएं, हर स्कूल तक हम ले जा सकें। मैं कुछ एक आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूँगा और ये आंकड़े आए हैं इंडिया बुक मार्केट रिपोर्ट 2022 जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। देश में 24,000 पब्लिशर्स हैं और इंडिया जो है वो विश्व में तीसरा बड़ा किताबों की दुनिया है और हमारे किताबों की जो दुनिया है उसका जो टोटल टर्नओवर है वो लगभग 70,000 करोड़ वार्षिक है, 78.8 बिलियन US डॉलर्स, यदि 70,000 करोड़ के आता है और उसका जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ है वो 19.4% है। तो यदि इस रेट पर हर वर्ष किताबों का जो रेवेन्यू है टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस देश में जितनी भी किताबें बेचते हैं उसमें से 71% स्कूली शिक्षा के बच्चों के द्वारा टेक्स्ट बुक के रूप में खरीदा जाता है, 25% हायर एजुकेशन के बच्चे खरीदते हैं और ये जो रिटेल सेगमेंट पे हम लोग ढेर सारी किताबें पढ़ते रहते हैं ये सिर्फ 4% है। तो मैं विशेषकर अमेज़न का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये जो 4% की दुनिया है उससे कहीं बाहर निकल करके यदि आप जाएं तो 96% की दुनिया में आप अपना पैर रखेंगे तो यू विल फाइंड अ मच लार्जर मार्केट फॉर योरसेल्फ। एंड हाउ लार्ज इज दिस मार्केट, आप देखें 5 से 24 साल के बच्चों का यदि हम जनसंख्या लें तो ये 50 करोड़ है और हमारे सिर्फ स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स जो हैं जिसके माध्यम से यदि लोग अमेज़न तक जाएंगे वो है 65.8 करोड़ और सोशल मीडिया यूज़र्स हैं लगभग 50 करोड़ के आसपास। तो इस तरह के आंकड़ों से आने वाले दुनिया में और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि किताबों की जो मांग है और किताबों का जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही एमिनेंट सेंस बनाता है और बहुत ही आवश्यक है कि इससे हम जुड़ें और इसके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको हम बेहतर कर सकें। घर बैठे हम किताबें पहुंचा सकते हैं, हो सकता है कि कलेक्टिव रूप से यदि स्कूल ही पूरा ऑर्डर करता है अपने बच्चों के लिए तो स्कूल के लिए भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि अकादमिक सत्र प्रारंभ होने के कहीं पूर्व सभी बच्चों को पूरी मात्रा में किताब मिल जाए और इसी के लिए जो आज ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है अमेज़न के माध्यम से ये उसकी पहली कड़ी है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में
इसमें और सुधार किया जा सकेगा, इसको थोड़ा और विकसित किया जा सकेगा। मैं अमेज़ॉन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस अभियान से जुड़े हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार की इकोनॉमिक्स है ये सभी के लिए एक विन विन सॉल्यूशन के रूप में उभर करके आएगा। बच्चों को सही दाम पर MRP पर सत्र प्रारंभ होने के पहले किताबें मिल जाएं और आपके माध्यम से मिलेंगी तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना हुआ रहेगा। तो इन्हीं प्रारंभिक शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने की आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी के साथ आपके महत्वपूर्ण योगदान से स्कूली शिक्षा लगातार बेहतर हो रही है। हम आशा करते हैं आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहेगा। शिक्षा का उजाला तभी सार्थक है जब उसका प्रकाश हर बच्चे के जीवन को रोशन करे। स्कूली शिक्षा का उद्देश्य समाज के हर कोने तक पहुँचना चाहिए ताकि कोई बच्चा ज्ञान से वंचित ना रहे। और अब उस ऐतिहासिक क्षण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक है और छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। यह समय है लेटर ऑफ एंगेजमेंट पर हस्ताक्षर और amazon.in पर NCERT स्टोर फ्रंट लॉन्च का। मैं आदरणीय सचिव महोदय NCERT श्री अमन शर्मा जी और Amazon वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे लेटर ऑफ एंगेजमेंट पर हस्ताक्षर कर NCERT की पाठ्यपुस्तकें देश के कोने कोने में पहुँचाने वाली व्यवस्था को सभी के लिए सुगम्य बनाएं एवं देश को यह पाठ्यपुस्तकें इस माध्यम से लोकार्पित करें। ये हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि इस क्षण को गुंजायमान बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक नवीनतम पहल। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में NCERT और Amazon के सहयोग साझेदारी समारोह के लिए हम सभी आज यहाँ जुड़े हैं, और ये समारोह NCERT और Amazon के सहयोग की एक ऐसी भावी पहल का उदाहरण है जो शिक्षा को न केवल जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करती है बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। एक बार पुनः आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि इन पलों को अविस्मरणीय बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में ये नवीनतम पहल और यह महत्वपूर्ण पल। ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। NCERT और Amazon का यह सहयोग एक मील का पत्थर साबित होगा शिक्षा के क्षेत्र में। ये बहुत ही मददगार साबित होगा सभी बच्चों के लिए, और जन जन तक NCERT की पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने की ये एक भावी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे amazon.in पर NCERT स्टोर फ्रंट का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल विमोचन करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर NCERT स्टोर फ्रंट का डिजिटल विमोचन करें। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में NCERT का एक प्रमुख उद्देश्य सदैव ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना रहा है।
आज NCERT लगभग 400 से अधिक पाठ्यपुस्तकें तथा 1000 से अधिक अन्य शैक्षिक सामग्री और 6 महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही है। हर वर्ष NCERT अपनी पाठ्यपुस्तकों की लगभग 5 करोड़ प्रतियां देश के कोने कोने में विद्यार्थियों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराती रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शैक्षिक संस्थाएं भी NCERT से कॉपीराइट लेकर पाठ्यपुस्तकें अपने अपने प्रदेश में विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक सामग्री का विकास करते हुए न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु NCERT सतत रूप से प्रयासरत है। आज लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी CBSE से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए NCERT शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लगभग 15 करोड़ पुस्तकें छापने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों के सुगम व समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए NCERT नए विकल्प तलाश रही है। इसी दिशा में NCERT और Amazon सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि NCERT की पुस्तकें देश के सभी विद्यार्थियों को समय पर उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत Amazon अपने प्लेटफॉर्म और डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके NCERT की पाठ्य पुस्तकों को हर सेवा योग्य पिन कोड तक अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर उपलब्ध कराएगा। NCERT और Amazon की ये साझेदारी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज इस प्रभावी वितरण व्यवस्था का शुभारंभ हो रहा है। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को हर देश, हर गली, हर मोहल्ले और हर बच्चे तक पहुंचाने की एक भावी पहल। स्कूली शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक अधिकार है और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि यह हर घर, हर गांव और हर बच्चे तक पहुंचे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका कुशल नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों का कारण बनता रहा है। आपके निर्देशन से ही यह संभव हो पाया कि आज प्रत्येक भारतीय शिक्षा के महत्व और शिक्षा की गुणवत्ता को समझ रहा है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस शुभ उपलक्ष्य पर आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री जी का। नमस्कार। NCERT तथा Amazon की मध्य आज की MOU साइनिंग सेरेमनी में मंच पर उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री संजय कुमार जी, NCERT के डायरेक्टर आदरणीय DP शकलानी जी, Amazon के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, Amazon के पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर आदरणीय अमन जैन जी, NCERT के सेक्रेटरी आदरणीय अमन शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षाविद, शिक्षक, NCERT की अधिकारी मित्रगण, शिक्षक भाई और बहनों, मीडिया की साथी, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आज के दिन एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षा विभाग, NCERT और Amazon मिल के हम लोग एक कदम आज बढ़ाए। मैं आप सभी को, विशेष करके NCERT और Amazon को शुभेच्छा देता हूं आपने इस महत्वपूर्ण कदम को आगे ले जाने के लिए। मित्रों, NEP के अंदर जो 2-3 मुख्य प्रायोरिटी के विषय है, शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए, शिक्षा सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, शिक्षा अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। मित्रों, ये जब हम लक्ष्य रखते हैं
भारत में इन दिनों में हम सभी के सामूहिक एक एस्पिरेशनल इनिशिएटिव के कारण, एक बहुआकांक्षी इनिशिएटिव के कारण हमारे घर में नई पीढ़ी की लोग ऑनलाइन में परचेज करते हैं। यहाँ से पेरेंट्स बैठे हैं, आपको परचेज के बाद पता चलता है कि क्या बच्चा ने क्या परचेज किया है। कभी कभी आप उसको प्रशंसा करते हो, अमूमन तो डांट देते हो कि इतना ऑनलाइन में क्यों खर्चा किया, लेकिन शायद जब वो किताब खरीदता है आप उसमें से खुशी प्रकट करते हो, कम से कम बच्चा तो अच्छा चीज़ खरीदा। और जब स्कूल बुक्स, मैं पिछले 3 साल से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ और हमारी शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते हुए इस बार ये दिस इज़ द 5th ईयर, और हम पिछले 10 साल में हमारी सरकार की एक प्रायोरिटी की विषय रही है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग को डिफाइन करते हुए भारत की सभी घरों में बच्चा पढ़े, उसकी बालक बालिका पढ़े, उसको नई किताब मिले और सुविधा से मिले, सस्ता मिले, गुणात्मक किताब मिले, अच्छे क्वालिटी की किताब मिले, ये एक बड़ा पवित्र काम सभी घरों में रहता है। भारत में अगर अमूमन मैं 30 करोड़ घर मानूं, कम से कम 25 करोड़ घरों में किताब लेके एक जिम्मेवारी की भाव रहती है। जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की फुटप्रिंट बढ़ रहा है, भारत में डिजिटल स्टैक हर एक क्वार्टर में एक नया स्टैक जुड़ता है, भारत उसमें एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल किया है। मैं अमेज़न की सौरभ जी को धीरे से पूछ रहा था, इन दिनों में आपका ई कॉमर्स की कारोबार कितना है? मैं टैक्स डिपार्टमेंट के काम नहीं देखता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया। आज NCERT ने एक डिजिटल मार्केटिंग का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। हमारे वास्तविक तो मंच पे आपको साकलानी जी और सौरभ जी, आप ओरिजिनल व्यक्ति को भूल गए हो, हमारे CBSE की मुख्य हमारे राहुल जी, फाइनली किताब तो खरीदने वाला संस्था हुई है। और इन दिनों में CBSE ने भी एक अच्छा काम किया है। पहले CBSE सिर्फ क्लास 9, 10, 11, 12 में ही NCERT की किताब अनिवार्यता ऐसे मान्यता था, लेकिन शायद अभी मेरे को एक दिन राहुल जी समझा रहे थे कि सर CBSE को एक एग्जामिनेशन बोर्ड से एजुकेशन बोर्ड बनानी है। मैंडेट तो था ही एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिए, धीरे धीरे CBSE कुछ अन्य कामों में भी व्यस्त हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने CBSE को अपने काम में फिर रीइन्फोर्स करवाया है। और अभी NCERT के अंतर्गत 2 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 30,000 स्कूल हैं। अभी मैं अमन जैन साहब को पूछ रहा था कि आप कितने जगह पे NCERT की किताब पहुंचा पाओगे, उन्होंने कहा कि हमारी देखो ये सब कुछ कोइंसिडेंस है, जॉयफुल कोइंसिडेंस है। हमारे अमन शर्मा ये भी पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं मूलतः, और इन्होंने कहा, दोनों अमन ने कहा कि हम दोनों मिलके अमेजोन और इंडियन पोस्टल सर्विस दोनों मिलके हम एक जो गेटवे बनाएंगे, 19,500 पिन कोड एरिया में आज अमेजोन की डिजिटल परचेजिंग हो सकता है। इसीलिए मैं सबकी बिहाफ से, विशेष करके देश की नागरिकों की ओर से राहुल जी आपको अनुरोध करता हूँ, CBSE वाला इसका ध्यान रखे, अभी इसकी कोई शॉर्टकट और बहाना ना ढूंढे। डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही, स्थानीय किताब की दुकान तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैं अभी पूछ रहा था कि इस बार NCERT ने और एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। हर एक साल NCERT में डिमांड सप्लाई का एक इश्यू रहता था, इस बार NCERT ने शायद, और NCERT की इतिहास लंबा है, 1963 से अब तक, यानी लगभग ये भी 60 साल हो गया, ये 60 साल में NCERT ने
220 करोड़ किताब छपाए और बिक्री किया है। शायद दुनिया में भी ये अपने आप में एक अजूबा रिकॉर्ड होगा। कोई एक देश की एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन इकोसिस्टम 220 करोड़, और वेस्टर्न मॉडल में उसको मिलियन वगैरह गिनने में उनका भी थोड़ा दिमाग ख़राब होगा कि 220 करोड़ कितना मिलियन। हमको अभी सौरभ जी थोड़ा हमारे ऊपर इम्प्रेस कर रहे थे कि मैंने कितना किताब बिक्री कर रहे हो, उन्होंने बोला जी मिलियंस किताब बिक्री कर रहे हैं, 1-2 मिलियन बिक्री कर रहे हैं। बोले डू यू नो हाउ मच NCERT इज़ रिक्वायरमेंट? NCERT's रिक्वायरमेंट इज 50 मिलियन। 5 करोड़ कभी किताब तो अभी छापता है। देखो उसको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बिक्री करता है, हमारा स्टॉकिस्ट बिक्री करता है। अभी आप हमसे देखो, दोनों अमन किस प्रकार की बिजनेस एग्रीमेंट किए हो मेरे को मालूम नहीं है। मेरा तो इंटरेस्ट रहेगा कि जो MRP घटाओगे क्या, MRP घटाओगे क्या? इस बार आपने कहा 5 करोड़ किताब बिक्री होती थी, इस बार आप उसको छपाने की, 5 करोड़ किताब आप बनाते थे NCERT की ओर से, इस बार उसको आप 15 करोड़ करने वाले हो। मेरा स्टैटिस्टिक्स ठीक है ना? मैं ठीक सुना है? सार्वजनिक रूप में मीडिया के सामने करो, NCERT अगले शिक्षा वर्ष में स्वयं 15 करोड़ किताब खुद बनाएगी। और उसको हमारा वितरण कहाँ होगा? हमारे जो ट्रेडिशनल बुक स्टोर है वो बिक्री करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो मार्केट प्लेस है वहाँ बिक्री होगा, बड़े बड़े सिटीज़ के इम्पोर्टेंट बुक स्टोर्स में मिलेगा। उसके अलावा एक नया दुकान, आज मैं अमेजन को भी साधुवाद देता हूँ, उन्होंने आज एक NCERT के लिए डेडिकेट शॉप खुला है अमेजन के अंदर। उसमें अगर आओगे NCERT की क्लास वाइज किताब मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज किताब मिल सकता है, और ईयर वाइज भी किताब मिल सकता है। अगर घर में अगर 2-3 बैच के बच्चे हैं तो 2-3 बैच की किताब भी पेरेंट्स इकट्ठा खरीद सकते हैं अमेजोन की ई परचेजिंग, ई कॉमर्स की इकोसिस्टम में आके। इसलिए मेरा प्रायोरिटी व्यवस्था की ओर से रहेगा MRP में ही किताब मिले। कभी कभी सुनने में आता है NCERT की किताब महंगा बिक्री होता है, इससे एक बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। NCERT हमारी देश की शिक्षा मंदिर है। शिक्षा मंदिर में जो पुस्तक बनती है, जो बुक्स बनते हैं, वो MRP में ही बिक्री होनी चाहिए। 15 करोड़ किताब बने छपा जाएगा, 2 करोड़ बच्चे हैं, 30,000 स्कूल्स हैं देश की सभी डिस्ट्रिक्ट में। आज के दिनों में CBSE और CBSE हमारा देश की टर्च बियर है स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम की। और इस बीच में तो हमने और उसमें NEP की जो रिकमेंडेशन था, बाल वाटिका BV 1-2-3, देश में KG जिसको हम जानते थे, धीरे धीरे इसकी नोमेनक्लेचर, इसकी नामकरण बाल वाटिका ही हो रहा है। इसलिए BV 1-2-3 की किताब बन चुकी है। Class 1-2-3-6 ये 4 क्लास की किताब, इस बार नई किताब छप चुकी है। बहुत अप्रिशिएशन आ रहा है। Class 6 की जो साइंस किताब बने हैं, सोशल साइंस किताब बने, इसकी भूयसी प्रशंसा, ये फ्यूचरिस्टिक है, इसकी भूयसी प्रशंसा आज समाज में हो रही है। इसलिए आउट ऑफ 15 ईयर यानी BV 1-2-3 एंड 1-2-12, इसमें ये जो 15 ईयर की टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक बनाने की जिम्मेवारी NCERT ने लिया है, उसकी ऑलरेडी 7 स्टैंडर्ड्स की, 7 कक्षा की किताब नई बन चुकी है। और अगले शिक्षा वर्ष में शायद जो रेस्ट ऑफ द 8 ईयर्स रहेगा, यानी Class 7, 8, 4, 5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 8 क्लास में से अगले साल 4 क्लास की और किताब आ जाएंगे, फिर अगले साल और 4 साल की आ जाएंगे। यानी आने वाले 2-3 साल के अंदर, यानी आने वाले 2 शिक्षा इस शिक्षा वर्ष में आई गया 7 क्लास की नया किताब, और नेक्स्ट 2 एकेडमिक ईयर में यानी 25, 26, 26, 27, 26
जनवरी तक, मैंने आज से 12-4 डेढ़ साल भी बचता नहीं है, 16 महीने में देश में नई पाठ्य पुस्तक आ ही जाएगा और उसकी साइज 15 करोड़ होगा। और सीबीएसई ने कहा कि BB1 से लेके क्लास 12 तक रेफरेंस किताब एक ही है, एनसीईआरटी की किताब। यह अभी सीबीएसई का आग्रह का विषय बना है, बाकी उसके ऊपर कोई स्कूल कुछ रेकमेंड अलग किताब करता है तो स्कूल की विषय है, एनसीईआरटी का विषय नहीं। एनसीईआरटी की रेकमेंडेड किताब। और इस बार मैं भी आजकल मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ, एक आधा बार कुछ मित्र मैंने तो कभी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन संजय जी या राहुल जी जैसे देने की हिम्मत भी नहीं किया था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों के अंदर जब मैं उनको भी एनसीईआरटी की किताब पहली बार मेरे स्टेट में, जो मेरे कुछ मित्र यूपीएससी की एग्जामिनेशन देते थे उनके वहाँ मैं एनसीईआरटी की किताब देखा था। मैंने उनसे हिस्ट्री किताब लेके, ये राघव बैठे हैं ये सब हमारे मित्र हैं, उनसे किताब लेके मैंने हिस्ट्री किताब पहली बार शायद अर्ली 90s में पढ़ा था, एनसीईआरटी की किताब। बाद में कभी मैंने उसकी 4-5 साल पहले पूरा एनसीईआरटी का पूरा किताब क्लास 6 से 12 लेके गया था पढ़ने के लिए, कुछ कुछ पढ़ने का प्रयास किया था। इस बार मेरे मन में जिस प्रकार की नई किताब की मैं रिव्यू पढ़ रहा हूँ, मैं भी BB1 से 12 तक एक बार खुद पढ़ूंगा आने वाले 2 साल के अंदर। और मैं अपेक्षा रखूंगा ये आने वाले दिनों में ई बुक के रूप ले, इसकी इल्यूस्ट्रेशन ठीक हो, इसमें टॉकिंग बुक बने। आजकल टॉकिंग बुक एक प्रायोरिटी की विषय है। देखो अमेज़न, मैं निश्चित रूप में आपको और दोनों अमन को कहूंगा कि भाई आपको तो बिजनेस प्रपोजिशन को रिविजिट करना ही पड़ेगा और देश की आवश्यकता है कि उसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा। जिस प्रकार की वॉल्यूम आपको मिलेगा और ये आप जैसे लोग एंटरप्रेन्योर जब प्लान करते हो, आप प्रोबेबिलिटी पे आपकी नेटवर्थ बनाते हो। अमेज़न की ब्रांड वैल्यू कितना है ये एक इमेजिनेशन पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस बढ़ती है। आपकी नेटवर्थ बहुत सारे चीज़ कभी कभी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लगते हैं तो कागजी हिसाब की एक पुलिंदा है। जब आपको इस प्रकार के कैलकुलेशन के अभ्यास है, आपको जो मार्केट स्पेस हम दे रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत की 20-25 साल की नई पीढ़ी की रीडिंग टीचिंग टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी के प्लेटफॉर्म हम अमेज़न को बना रहे हैं। ये सिर्फ कुछ मिलियंस किताब बिक्री होगा ऐसे नहीं है, इसलिए इसकी रॉयल्टी भी आपको हमको देना पड़ेगा। मैं कोई लाइटर मूड में नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर करता है। 2 साल उनसे बिक्री कराओ, 3rd साल तीसरा कॉम्पिटिटर को ले आओ, तो दे देंगे ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑफर, यही लेके आ जाएंगे। इतना बड़ा ताकत है। और धीरे धीरे एनसीईआरटी की किताब NEP के बाद उत्तर प्रदेश जैसी सरकार एनसीईआरटी की किताब को लिया है, वो 5 करोड़ बच्चे एडिशनल 2+5। मध्य प्रदेश भी कुछ हिस्सा एनसीईआरटी की किताब लेने लगा है। एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म हो चुका है। एनसीईआरटी देश की चुनिंदे एजुकेटर को इकट्ठा करके बिग थिंक टैंक बनने वाला है, यही पिछले 60 साल में आज जो एनसीईआरटी है उसको एक नई हाइट्स आएगा। एनसीईआरटी अपने एक्टिविटी सिर्फ देश के अंदर नहीं रख रहा है। मॉरिशस की लीडरशिप आए थे भारत G20 के दौरान, उन्होंने कहा, उनकी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीईआरटी हमारा देश में आए और एनसीईआरटी हमको बना के दे। हमारा CBSE ग्लोबल बोर्ड बनने जा रहा है, इसलिए मैं सब अमेज़न के सामने मार्केटिंग कर रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हो भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या होने वाला है और इसके माध्यम क्या होगा। इसके माध्यम होगा किताब। आज किताब हार्ड बुक मिलेगा, कल आप उसको ई बुक में कन्वर्ट करो, टॉकिंग बुक में कन्वर्ट करो, AI डालो, इंटरेक्टिव बनाओ,
मैं तो आने वाले 2 साल के अंदर ऐसे कुछ कक्षाओं की किताब दिखना चाहूँगा जिसमें बच्चा टीचर को जैसे पूछ रहा है। मैंने तो मॉडल देखा है इस देश में, AI ड्रिवन मॉडल उसको देखा है मैंने। हमारी देश में आप देखो, हमारे देश में मैं उस नंबर को अगर आपके सामने कहूँ, हमारे देश में 260 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स हैं। BV 1, 2, 3 हमने गिनती नहीं किया है। आने वाले 25 साल में अमृत काल में हमारे देश में 300 मिलियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स रहेंगे। उनको हमें जॉयफुल लर्निंग करवानी है, उनको हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था देनी है। ये करते करते अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सारा कैरेक्टर उसमें रहे। मैं इसीलिए मानता हूँ कि आज की जो MOU साइन हुआ है, जिसकी किताब शायद इस बार थोड़ा अलग तरीके से मार्केट प्लेस में जब हम लोग गए, अमेजन और NCERT की एक प्रारूप आया, उसकी कुछ सीमा को ध्यान में रखते हुए इस बार इसको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोगों ने डाला है। NCERT 4 मेगा डिस्ट्रीब्यूटर इनके साथ जुड़ा है। इनकी नीचे देश भर की जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं NCERT की किताब और या जो बुक स्टोर वाले हैं, अमेजोन के अपना तरीका है मैच मेकिंग करने के लिए। कोई भी बुक डिपो वाला अगर अमेजोन की रूट में खुद को रजिस्टर करके अपना बुक अवेलेबिलिटी करेगा, अमेजोन की इसकी उनकी विषय है। हमारा लेकिन एक कंडीशन, MRP बढ़नी नहीं चाहिए। MRP बढ़ेगा तो एक नया चुनौती होगा इसकी, NCERT वाले इसकी पक्का पुख्ता व्यवस्था कर ले, ये हमारी अपेक्षा रहेगा। और आने वाले दिनों में हमारी देश की बच्चों को AI ड्रिवन, इंटरैक्टिव और मल्टीलिंगुअल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NEP को एनविजन करते हुए कहा, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। भारत में 23 लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। 22 शेड्यूल लैंग्वेज है भारतीय भाषाओं की, इंग्लिश है, इसको मिला के 23। उसके अलावा हमारी प्रायोरिटी रहती है भारत की जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा अनेक है। मैं इसकी नंबर नहीं कहता हूँ, नंबर कहने से जो छूटते हैं वो फिर नाराज होते हैं, हमारी नंबर क्यों नहीं गिना। इसलिए कम से कम मैं बह सकता हूँ, मैंने शास्त्री जी मेरे को संशोधन भी कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा भाषा जिसमें एक बड़ा पॉपुलेशन अपना संवाद करता है, उसके अंदर सरकार NCERT प्राइमर बनाती है। लैंग्वेज, बुक, लिसनिंग, इंटरैक्शन, ये एक नया दुनिया में हम पहुंचे हैं। उसमें एनिमेशन, उसमें गेमिंग, उसमें कार्टून, उसमें सॉन्ग, ड्रामा, डांस, ये सारा फीचर ये जॉयफुल लर्निंग का हिस्सा है। इसलिए मैं ये सारे को देखते हुए आप दोनों की जो आज MOU हुआ है उसको शुभेच्छा देता हूँ। ये यशस्वी हो, भारत की नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग में हम एक कदम और आगे बढ़े आज की निर्णय के कारण। इसी शब्द के साथ फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने ऊर्जापूर्ण विचारों से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आशा है कि आपका नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहेगा। और अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से श्रीमती प्राची पांडे जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी स्वागत करते हैं आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया का। नमस्कार। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रिस्पेक्टेड श्री संजय कुमार जी, डायरेक्टर NCERT
Professor D.P. Saklani ji, Sri Saurabh Srivastav, Vice President, Amazon India, Secretary, NCRT, Sri Aman Sharma ji, Director, Public Policy, Amazon, Sri Aman Jain ji, esteemed guests in the audience and dear attendees. As we conclude this significant event, I would like to extend my heartfelt gratitude to all those who have contributed to today's success. First and foremost, I would like to thank and extend our deep appreciation to the Honorable Minister of Education for his invaluable insights and support in advancing our education system. His constant guidance and visionary ideas for bringing in efficiency into the availability of NCRT's textbooks has led to this important collaboration with Amazon. I would also like to thank Secretary School Education and Literacy for his support and efforts for the implementation of this new initiative by NCRT, which has been critical in ensuring their success. I would also like to thank Director NCRT for his unwavering commitment to provide quality textbooks and efforts for shaping a more inclusive and flexible educational landscape. I would like to thank the esteemed dignitaries on the dais, Secretary NCRT, Sri Saurabh Srivastav and Sri Aman Jain for their invaluable insights and support. I'd like to express our appreciation to Amazon for partnering with NCRT. This collaboration marks a significant step in ensuring the accessibility of genuine textbooks for students across the nation, helping to curb piracy and enhance the learning experience. Thank you to all the esteemed academicians, officials from the Ministry of Education, and attendees for your participation and commitment to improving education in India. Together, we are making strides towards a brighter future for our students. I would also like to thank the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for providing logistical support to make this event successful. Thank you to all the media personalities who are also here. Thank you once again to all, and let us look forward to the positive changes ahead. Thank you very much. धन्यवाद महोदय. हम उम्मीद करते हैं कि NCRT और Amazon का यह सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो. Well, we have a special request by the team from Amazon. They would like to have a group photograph with our Honorable Minister of Education and with all the dignitaries. So the team from Amazon, you may please join us on stage for the group photograph. NCRT परिवार के हमारे जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर ज़रूर आएं. थैंक यू एवरीवन. शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी का योगदान अनवरत यूं ही जारी रहे, इसके लिए हम सभी कृत संकल्प रहें. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिमेन सीटेड ऑन योर सीट्स एंड द हाई टी फॉर आर डिग्निटरीज हैव बीन अरेंज आउटसाइड द हॉल. ऑल्सो वी हैव अ डिस्प्ले ऑफ NCRT's डिजिटल एंड हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक्स आउटसाइड द हॉल. यू मे प्लीज गो थ्रू इट. वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आर थैंक्स टू आर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, our officials, our dignitaries from Ministry of Education and from NCRT.